हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो है बच्चों के लिए हेल्थी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए। आपकी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जो है 3 खीरे लिए हैं, उन्हें छील के रख लिए हैं। अब इन्हें जो है हम कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लेंगे। और उसके बाद इसका पानी जो है अलग करने के लिए इसे रख देंगे। इसे चाहे तो हम जो है इस तरीके से जो है पानी अलग करने के लिए रख सकते हैं, और नहीं तो हाथों की सहायता से जो है इसे दबाते हुए प्रेस करते हुए इसका पानी जो है अलग कर लेंगे। यहाँ मैं इसका पानी इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि जो है ककड़ी जो होती है कभी कभी जो कड़वी रहती है, तो वो कड़वापन जो है ये पानी हटा देने से कड़वापन भी हट जाता है। तो आप जो है कड़वी ककड़ी का भी उपयोग जो है इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने जो मसाले के लिए जो है 6 से 8 हरी मिर्ची, 3 इंच करीब अदरक और अपने लहसुन की कलियाँ लिए हैं, उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। और इस पेस्ट को हम जो हमने खीरे को जो है कद्दूकस करके रखा था उसमें डाल देंगे। एक बर्तन में हमने ये कद्दूकस किया हुआ खीरा और वो पेस्ट जो है डाल दिया, साथ ही इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके बाद इसमें जो है हम नमक डालेंगे। नमक आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और इसे जो है हम अब अच्छी तरीके से जो है हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 2 चम्मच करीब हमने जो है आमचूर पाउडर डाला है। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम जो है 2 कटोरी करीब जो है गेहूं का आटा जो है डाल के अच्छे से मिला लेंगे। पानी इसमें अभी नहीं डालना है हमें, पहले हम इसे अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। और फिर अगर हमें लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है तब इसमें थोड़ा सा पानी जो है हम ऐड करेंगे। और इसका जो है अच्छे से आटा लगा लेंगे। आटा जो है ज़्यादा टाइट लगाना है, ना ज़्यादा ढीला, नॉर्मल आटे की तरह ही हम इसका आटा लगा लेंगे। क्योंकि इसका आटा जो है थोड़ी देर में जो है अपने आप ही पानी छोड़ने लगता है तो गीला हो जाता है, इसलिए आटा जो है थोड़ा टाइट ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए हमने रोटी की तरह इसकी लोई काट के तैयार कर लिया। अब इसे बेल लेंगे। बेल के जो है तवे में तेल डाल के जो है सेक लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठों को जो है तैयार कर लें। आप लोगों को ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।